हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सूजी का गुलाब जामुन, जो हम लोग बनाएंगे सूजी से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कटोरी चीनी, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी घी और थोड़ा सा इलायची पाउडर और दूध। अब यहाँ पर हम लोग पतीले को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर पतीला गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी डाल लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा तो आपको इसे 5 मिनट तक पकाना है। ये पक चुके हैं। अब हम लोग पैन को गरम कर लेंगे। पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 कटोरी दूध डालेंगे। दूध को उबलने तक देखेंगे। ये दूध उबल चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे धीरे धीरे। अगर आप एक ही बार डाल देंगे तो ये इसमें कफ जम जाता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे डालेंगे। तो अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको एक ठीक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैश हो चुका है। अब हम लोग इसका बॉल्स बना लेंगे, एकदम सॉफ्ट और एकदम सॉफ्ट बनाना है, ताकि आप जब ये करेंगे तो ये फटे ना। तो ये अब हम लोग एक पैन गरम कर लेंगे। फिर से पैन में हम लोग ऑयल डाल लेंगे। अब हम एक ठे रोल सा बॉल डाल के छोटा सा देख चेक कर लेंगे कि ये पक गरम हुआ है कि नहीं तेल। ये अच्छी तरीके से एकदम तेल गरम हो चुका है। तब हम लोग इसको निकाल कर इसमें अब जो हम लोग बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे धीरे धीरे। याद रहे, अगर पैन में जितना आटे उतना ही डालना है। अगर ये चिपकेंगे तो अच्छी तरह से नहीं पक पाएंगे। अब हम लोग इसे ब्राउन कलर तक होने तक इसे हम लोग चलाते रहेंगे बराबर। और ये अब हम लोग का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम लोग एक ट्रे में इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है, इसका कलर आया है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से धीरे धीरे चश्मीन में डाल देंगे। तो अब 10 मिनट तक हम लोग रखेंगे इसको। ये देखिए कितना अच्छा सा आ गया है। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज। उसको क्या घुमा घुमा के दिखाओगी? कटोरिया बनाई हो क्या कि उसको रसगुल्ला बना के दिखाओगी?